पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के चलते शेयर बाजार में बुधवार को लगातार चौथे दिन दमदार रैली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 629.91 अंक यानी 1.15 फीसदी की बढ़त के साथ 55,397.53 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 180.3 अंक यानी 1.10 फीसदी की बढ़त के साथ 16,520.85 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले चार सेशन में सेंसेक्स 2000 से ज्यादा अंक चढ़ चुका है। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के अलावा ऑयल प्रोड्यूसर्स और रिफाइनर्स पर विंडफॉल टैक्स में कटौती से भी बाजार का सेंटिमेंट मजबूत हुआ है। सरकार ने दो चार्जेस लगाने के बाद एक महीने से भी कम वक्त में पेट्रोल को एक्साइज ड्यूटी से छूट दी है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन बदलावों से रिलायंस इंडस्ट्रीज ONGC जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा। सरकार ने बुधवार को गैसोलीन एक्सपोर्ट पर लगाई गई लेवी को खत्म कर दिया है। इसके अलावा 3 सप्ताह से भी कम समय में दूसरे ईंधनों पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स में भी कटौती की है। ये कदम देश की बड़ी ईंधन एक्सपोर्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज और टॉप क्रूड एक्सप्लोरर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र ने डीजल और एविएशन फ्यूल शिपमेंट पर लागू विंडफॉल टैक्स में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। गैसोलीन एक्सपोर्ट पर 6 रुपए प्रति लीटर लेवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस खबर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC में 2.50% से 5% तक तेजी बनी हुई है। FII की खरीदारी। विदेशी निवेशक यानी FII पिछले 2 सेशन से भारतीय बाजार में खरीदार बने हुए हैं, जो 2022 में अभी तक बिकवाल बने हुए थे। FIIs 2022 में अभी तक भारतीय शेयर बाजार में 30 अरब डॉलर से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। डॉलर इंडेक्स हाल के हाई से नीचे आया है, हालांकि यह अभी मजबूत बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। घरेलू बाजार को कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से फायदा मिल रहा है। रूस पर पश्चिम देशों की बंदिशों से तेल की कीमतों में तेजी आई थी, लेकिन महंगाई को काबू करने के लिए केंद्रीय बैंकों की मॉनेटरी पॉलिसी से कीमतों पर दबाव पड़ा है। इससे मंदी की चिंताएं बढ़ गई हैं और एनर्जी की डिमांड घट सकती है। अमेरिकी बाजारों में रैली। एक मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक अच्छी खबरों के चलते निफ्टी ने 15,183 के स्तर से दमदार वापसी की है। अच्छे कॉर्पोरेटिव अर्निंग्स के चलते अमेरिकी बाजारों में दमदार रैली देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स 108 के स्तर से घटकर 106.6 पर आ गया है। IT सेक्टर कर सकता है दमदार वापसी। इसके अलावा अग्रणी कंपनियों के नतीजे अच्छे रहने का अनुमान है। IT सेक्टर में हाल की गिरावट के बाद उनके वैल्यूएशन अच्छे नजर आ रहे हैं। यदि अमेरिका मंदी को खारिज करते हुए उभरने में कामयाब रहता है तो IT सेक्टर दमदार वापसी कर सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, मार्केट की इनसाइट खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।